अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साविर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च जो है ये किसी को पसंद है किसी को नहीं है, लेकिन ये सब्ज़ी है, ये आप लोग हफ्ते में एक बार खा लिया करें तो मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त मुफीद है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको पकाया किस तरह किया जाता है, उनका टेस्ट किस तरह हम लेके आएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है ये शिमला, ये 4-5 आदद शिमला मिर्च, और ये 3 आदद जो है ये टमाटर, और ये 1 आदद प्याज, और इसमें जो है ये थोड़ा सा जो है ये घी जाएगा ये, और ये लहसुन अदरक ये 4 जवे जो है ये लहसुन के है, और 1 इंच टुकड़ा जो है ये अदरक का। तो सबसे पहले हम प्याज शिमला मिर्च और टमाटर जो है इसको काट लेंगे, और जो है हमने काट लिया ये एक को जो है हमने आप दोस्तों को दिखाने के लिए छोड़ लिया। इसके जो सिर है ये वाला ये इस तरह काट लेना है, इसको दरमियान से काट लें, अंदर ये जो बीच है ये आप लोगों ने रिमूव करना है, इसको इसको हम साइड पे रख देंगे, इसको इस तरह छोटे टुकड़े करने हैं, इसको हमने काट लिया। अब हमने इसको दो लेना है, बस पानी में डिप करके इसका जो पानी है बस ये साफ हो चुका है, और इसका जो पानी है इसको हमने इससे निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है इसको कुकर में पकाएंगे। तो इस कुकर में जो है हम इसको पकाएंगे, कुकर में जो है जल्दी पक जाता है, 10 मिनट में ये तैयार होगा। इसमें हम ये घी डाल देंगे, और घी को गर्म होने तक हम इंतज़ार कर देंगे ताकि घी जो है ये गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो प्याज हमने काट किया ये हम इसको इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। प्याज हमने जो है इसमें डाल दिया, अब हमने इसको ब्राउन करना है। इसको जल्दी ब्राउन करने के लिए हम इसमें नमक जो है वो डाल देंगे, ये 1/2 चम्मच जो है ये नमक, ताकि प्याज जो है ये जल्दी ब्राउन हो जाए। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए, तो जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक ये भी अच्छी तरह सुर्ख हो जाए इसमें, और प्याज जो है ये भी कलर तब्दील कर लें। प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम अभी टमाटर शामिल कर देंगे। और टमाटर को जो है हमने अच्छी तरह इसमें हल करना है। तो ये ढक्कन हमने इसके ऊपर रख दिया था, इसको हम अभी चेक कर देंगे, इसको एक चम्मच के मदद से इसी तरह मार देंगे ताकि टमाटर जो है ये सही गल जाए इसमें। तो टमाटर जो है वो हमने हल कर दिया। अगर आप लोग को लग रहा हो कि जल जाता है तो थोड़ा सा पानी जो है ये डाल दे ताकि ये लग न जाए, इससे कुछ नहीं होगा। बस इसमें हम अभी मसाले जो है वो शामिल कर देंगे, 1/2 चम्मच जो है ये खुश्क धनिया पाउडर ये शामिल कर देंगे, ये ज़ीरा पाउडर, इसमें जो है मसाले, अगर सुर्ख मिर्च आप लोग डालना चाहते हो तो वो डाल लें, सुर्ख मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, और हल्दी जो है 1/4 चम्मच जो है आप लोगों ने वो इसमें शामिल करना है। हम जो है ये सुर्ख मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए हम जो है थोड़ा सा भी हम नहीं खाते, आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें डाल लेना है। अब ये मसाले को जो है हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि मसाला जो है अपना घी छोड़ ले।
सारा जो है वो बुन चुका है। अब हम इसमें ये शिमला ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो शिमला जो है हमने डाल लिया। अब इसको हमने इसी घी में जस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, फिर बाद में हमने इसको ढक्कन लगा के पका लेना है। तो 2 मिनट के लिए हमने इसको इसी में फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा इसमें सुर्ख हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे और ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 2 मिनट हमने इसको इसी में पका लिया, इसकी बुनाई हमने कर दी। आप लोग जो चीज़ भी पकाते हो पहले घी में जो है मसाले में उसको अच्छी तरह फ्राई कर ले, उसका टेस्ट कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हम जो है ये 6 वाला चम्मच एक इसमें हम ये पानी डाल देंगे। इसको इस तरह अच्छी तरह फैला देंगे और इसके ऊपर हम ये कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर ये विसल हम रख देंगे। जस्ट इसको इसी वक्त से आप लोगों ने टाइम नोट करना है जब इसका ये ढक्कन आप लोग बंद करोगे तो 5 मिनट इसका विसल चलना शुरू हो जाए। इसके बाद हम नहीं बस जिस जब इसका ये ढक्कन आप लोग बंद करोगे तो 5 मिनट आप लोगों ने इसको ढक के पकाना है। तो 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम इसको खोल देंगे। तो माशाल्लाह इसने अपना पानी जो है वो खुश कर दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त शिमला मिर्च जो है वो तैयार। एक बार ट्राई कर ले, ये बहुत ज़ायकनाक शिमला मिर्च आता है। ये सबको पसंद नहीं है लेकिन इसको मेरे तरह एक बार बना ले तो बहुत टेस्टी आता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। वह खैसर रहमान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।